दोस्तों अभी अभी हमारे साथ सीन हो गया, अभी हम लोग पीछे रुके हुए थे पिक्स लेने के लिए, तो अचानक से भालू आ गया सड़क पे। ये मतलब चंबा से लेके जो रास्ता है ना, ये दुनेरा तक का बहुत सुंदर रास्ता है भाई। भाई साहब हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, आप ये ना डबल मीनिंग बात मत किया कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं आधी बात आधी बात। भाई टायर भी फट गया, बंदे ने नीचे उतार दी सड़क में। ओहो स्विफ्ट के साथ हुआ एक्सीडेंट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डलहौजी। तो आज हमारी राइड का डे 4 है और आज हम लोग निकल रहे हैं डलहौजी से घर के लिए, हमीरपुर के लिए। आज की जो हमारी राइड रहेगी वो तकरीबन 9 से 10 घंटे की राइड रहेगी। टाइम इस वक्त हुआ है 8 बजने वाले हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं। सामान देखिए, पीछे भाई लोग लगे हैं सामान पैक करने, तो हेलमेट वगैरह वाइजर साफ हो रहे हैं। बाइक्स हमारी चेन ल्यूब हमने कर दिया, बाइक्स हमारी नीचे खड़ी हैं। बस अब हम तकरीबन 8:30 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। बहुत बढ़िया मौसम है डलहौजी का, ठंडा ठंडा मौसम है। प्लेन्स में दबा के गर्मी पड़ रही है, बट यहाँ जो है मौसम है बहुत बढ़िया है, प्लेजेंट मौसम है। बस दोस्तों आज जो है हमारी राइड का ये लास्ट डे रहेगा। हम लोग यहाँ से बनीखेत होते हुए नैनीखड, पठानकोट होते हुए फिर जाएंगे, मैं हमीरपुर की तरफ निकलूंगा। युवराज भाई और वीरेंद्र भाई का जो साथ है वो होशियारपुर तक है और वहां से आगे वीरेंद्र भाई जो है वो चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। ऑलमोस्ट हमारी जो राइड रहेगी वो 300-350 किलोमीटर की रहेगी और वीरेंद्र भाई हेलो कर रहे हैं। इनकी राइड सबसे लंबी रहेगी, तो 450 किलोमीटर के करीब वीरेंद्र भाई की राइड रहेगी, तो सबसे लेट वीरेंद्र भाई पहुंचेंगे। तो चलो जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिम मोटो एक्सप्लोरर। तो जो लोग इस वीडियो में नए जुड़े हैं और जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है सरथल से लेकर डलहौजी तक का, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके चेक कीजिए। बहुत बढ़िया राइड रही हमारी कल की। नए रूट से आए हैं, बहुत कम लोगों ने वो रूट देखा, किसी यूट्यूबर ने आज तक यूट्यूब पे ये वाला रूट नहीं दिखाया है, तो आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। बहुत खूबसूरत नजारे थे रास्ते में और जो रास्ता था वो भी अमेजिंग था। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सामान है, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए बिखरा पड़ा है सामान सारा, तो बस अभी इसको समेटने में लगे हैं और मैं आपको बाइक्स भी दिखा देता हूँ। जिस होटल में हम ठहरे हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डलहौजी का, यहाँ से 100 मीटर गांधी चौक है और गांधी चौक से आप 100 मीटर खजियार की तरफ आएंगे, तो खजियार की तरफ आके 100 मीटर पे ये होटल है, ये है ड्रीम हिल्स। तो होटल है ठीक है, डिसेंट रूम है और इजी टू रीच है, तो आप लोग जैसे यहाँ रूम लेते हैं तो गांधी चौक आपको जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और व्यू देखिए आप सामने, देवदार के पेड़, घना जंगल और व्यू अच्छा है यहाँ। ये होटल जिसमें हम लोग ठहरे हुए हैं ड्रीम हिल्स है, नीचे पार्किंग भी है और यहाँ बाइक्स हैं लगे हुए हमारे। ट्रिप मीटर कर दिया मैंने 0 और मौसम देखिए आप, धुंध आ रही है, क्या खूबसूरत मौसम है भाई डलहौजी का। और ये देखिए गांधी चौक आ गया, तो रात को हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ के गांधी चौक पे। ये है लवली रेस्टोरेंट यहाँ पे नीचे, यहाँ हम लोगों ने डिनर किया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था कल, एक्चुअली वीकेंड था तो होटल्स नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को 2 घंटे लगे इस होटल को ढूँढने में, तो हम लोग तो लक्कड़ मंडी तक पहुँच गए थे कल, कहीं भी नहीं मिल रहे थे हमें होटल्स। फिर वापस आके हम इसी होटल में ठहरे। एक्चुअली हम अच्छा होटल लेने के लिए घूम रहे थे कि अच्छा होटल मिले जहाँ से व्यू बढ़िया हो, तो सारे बुक थे, ऑनलाइन बुक हो जाते हैं। दोस्तों अभी अभी हमारे साथ सीन हो गया, अभी हम लोग पीछे रुके हुए थे पिक्स लेने के लिए, तो अचानक से भालू आ गया सड़क पे और हमारे से सिर्फ 30 फुट दूर था वो। और यहाँ देखिए लगा भी है कि स्लो भालू है, हम मतलब इतनी ज़ोर के वो भौंका कुत्ते की तरह और दौड़ता हुआ सड़क से नीचे चला गया, जंगल में गायब हो गया। जब ऐसा मौसम होता है ना, देखिए आप उस साइड भी देखिए कितनी धुंध है और ठंडा मौसम है, तो राइड का बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं और साथ में ऐसी नेचर को देखने को तो मतलब नज़ारे और हो जाता है कुछ। वाह यार क्या धुंध है भाई। अभी हमें उस रोड पे जाना है, देखिए ये जो रास्ता है बनीखेत से लेके मतलब चंबा से लेके जो रास्ता है ना, ये दुनेरा तक का बहुत सुंदर रास्ता है भाई, एकदम मस्त मस्त।
अभी नैनीगढ़ में पेट्रोल पंप है तो यहाँ भरवा लेंगे हम लोग तेल। और वो भाई आ रहा है भाई। हाँ हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, अच्छी लोकेशन है और व्यू भी अच्छा है, नज़ारे अच्छे हैं यहाँ से, तो हमें अच्छा लगा। हम लोग यहाँ रुक गए हैं तो हम लोगों ने यहाँ मिक्स परांठा ऑर्डर किया है आलू प्याज का, और साथ में चाय लेंगे बटर लेंगे। तो यहाँ बैठते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख बहुत ज़ोर के लगी है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 10:15 हो गए हैं। ये देखिए गाइस, ये है हिमालयन ढाबा और यहाँ पे हैं हमारे युवराज भाई, पानी पी रहे हैं, और इधर हैं वीरेंद्र भाई। तो भूख सबको लगी है बड़ी ज़ोर के, और यहाँ से आप एक बार नज़ारा देख लो भाई, क्या खूबसूरत जगह पे रुके हुए हैं हम लोग, नेचर में बिल्कुल। वाओ हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। आहा मजा आ गया भाई, दो दो परांठे खाए और बहुत टेस्टी परांठे थे, करारे करारे। हो गई हमारी पेट पूजा, अब करेंगे हम काम दूजा। काम दूजा मतलब अब हमने अपने बाइक का पेट फुल करना है, यानी कि पेट्रोल डलवाना है बाइक में। तो नैनीगढ़ में है HP का पेट्रोल पंप, वहाँ डलवाते हैं। पहाड़ों में अगर आपने राइड करनी है ना असली, तो असली नज़ारे तो आपको बरसात में मिलेंगे देखने के लिए। थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो जाता है बरसात में, लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, बट आपको पहाड़ों से धुंध दिखेगी, बादल दिखेंगे और मौसम ठंडा, पेड़ पौधे बिल्कुल ग्रीन और क्लियर स्काई। तो ये फ़ायदे होते हैं, हर मौसम का एक अपना ही मज़ा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ढाबे, यहाँ पे रुकती हैं HRTC की बसेस जो चंबा की तरफ आती हैं, डलहौजी की तरफ आती हैं, तो काफ़ी बसेस यहाँ रुकती हैं। यहाँ पे भी खाना मील बहुत अच्छा मिलता है, मैंने काफ़ी बार यहाँ पे खाया है। और देखिए ढाबे का नाम है सोहन सिंह ढाबा, यहाँ पे बहुत अच्छे से खिलाते हैं भाई। ये आ गया पेट्रोल पंप, 6.22 डला गाइस मेरा, ये देखिए। वैसे तो मेरे 500 का आ रहा था, पर मैंने 100 रुपये का और पूरा फुल करवा दिया नेक से ऊपर तक, करवाना नहीं चाहिए मुझे पता है, बट क्या करें, पेट्रोल की किल्लत है, कहीं मिले ना मिले इसलिए हम रिस्क नहीं लूँगा, इसलिए डलवा लिया मैंने। अब हम लोग लाडू वाले रोड पे आ गए हैं, और नीचे से ये जो रोड गया है ये पठानकोट के लिए गया है सीधा, तो अब हम लोग इस रोड से जाएंगे क्योंकि ये रोड बढ़िया है, सीनिक है और अच्छा साफ़ सुथरा रोड है। ये वाला जो नीचे वाला रोड है, इसमें क्योंकि पंजाब बॉर्डर आ जाता है तो रोड की हालत भी बहुत ख़राब है, ऊपर से ट्रैफिक भी है। और यहाँ से आप देखिए हम कितनी सी देर में कितनी हाइट पर आ गए, तो नज़ारे बहुत बढ़िया हैं यहाँ से। ये देखिए लाडू 19 किलोमीटर है और ककीरा 4 किलोमीटर। युवराज भाई ने और वीरेंद्र भाई ने पेट्रोल पंप मिस कर दिया एक, और जिस पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल डलवाया उसी पे पेट्रोल था, उससे आगे पेट्रोल पंप दो आए, दोनों पे पेट्रोल नहीं था। और इस रास्ते पे पेट्रोल पंप बड़े कम है, जो आप देख रहे हो जगह, इस जगह का नाम है ककीरा, तो ये भी हाइट पे है। और बकलो कैंट के लिए यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है, ये देखिए लिखा भी है बकलो, तो काफ़ी हाइट पे है बकलो कैंट, तो डलहौजी ऑलमोस्ट डलहौजी के बराबर है हाइट उसकी। थोड़ी देर में हम लोग नूरपुर पहुंच जाएंगे, और बस नूरपुर से मैं ले लूँगा लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स कांगड़ा हमीरपुर की तरफ, और युवराज भाई और वीरेंद्र भाई हो जाएंगे पठानकोट की तरफ। तो बस अब हमारा थोड़ी देर का साथ रह गया है, और मन में एक उदासी भी है। मेरा वैसे रूट पीछे से भी था, यहाँ से 5 किलोमीटर पहले से जाता था, बट युवराज भाई का मूड नहीं था कि हम इतनी जल्दी बिछड़े, तो फिर मैं अब यहाँ से आगे वाले रूट से टर्न लूँगा। अब मौसम गर्म होना शुरू हो गया क्योंकि अब हम लोग काफ़ी डाउन में आ गए। दोस्तों फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं नूरपुर में। मन कुछ कुछ उदास है, उदास इसलिए है कि अब हम लोगों के बिछड़ने का टाइम आ गया है। तो नूरपुर से जो है मेरा यहाँ से हमीरपुर के लिए हो जाएगा डाइवर्ट रूट, लेफ्ट साइड मैंने निकल जाना है हमीरपुर के लिए,
और युवराज भाई और वीरेंद्र भाई का साथ तो अभी होशियारपुर तक है, तो इनको भी ज्यादा उतना दुख नहीं हो रहा होगा कि इनका होशियारपुर तक का साथ है। दो तो है, मैं अकेला जाऊंगा अभी यहाँ से। तो अभी हम लोग रुके हैं गाइस यहाँ करने का रस पीने के लिए, तो कंटिन्यू हम लोग लॉजी से चले, बस ब्रेकफास्ट किया एक जगह और यहीं आगे रुके है ना। तो छोटी बात क्या है, मैं बताऊँ आपको इस ट्रिप की, जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो हुआ वो बड़ा शानदार हुआ है। बिल्कुल, मतलब जिस रूट में हम आए वो मतलब आई थिंक शायद किसी यूट्यूबर ने किसी ने भी नहीं किया। सही बात है, मेरे साथ बात की। बिल्कुल, निकल रहे हैं दोस्तों अब हम लोग यहाँ से, बस यहाँ से आधा किलोमीटर आगे से हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, तीनों के। बस यहाँ से ये लोग राइट हो जाएंगे और मैं हो जाऊँगा यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। हाँ, बाय बाय। हो गए हम लोग अलग, एक्सीडेंट हो गया भाई यहाँ पर, एक्सीडेंट हो गया है, कार का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ज़बरदस्त वाला सीन हो गया। ओहो हो 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 हो, किसके साथ हुआ भाई, टायर भी फट गया, बंदे ने नीचे उतार दी सड़क में। ओहो हो, स्विफ्ट के साथ हुआ एक्सीडेंट यार, क्रेटा का। ओहो हो, स्विफ्ट का क्या हाल हुआ, शिमला नंबर की स्विफ्ट है, अब गॉड नोज किसकी गलती होगी। रोड अगर अच्छा हो ना फिर ट्रैफिक हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर रोड खराब हो और ऊपर से ट्रैफिक भी हो। तो दोस्तों इस टाइम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से अबव ही होगा और मैं पिछले 2.5 घंटे से लगातार बाइक चला रहा हूँ और इतनी गर्मी के बावजूद भी इंजन ज़रा भी हीट नहीं मार रहा है, मेरी टांगों में ज़रा भी गर्मी नहीं आ रही है, तो ये बहुत बढ़िया बात है एक्सपल्स की और बहुत कंफर्टेबल बाइक है। कंटिन्यू आप इसको 12 से 15 घंटे भी चला सकते हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कई राइड्स की हैं जिसमें मैंने 15 घंटे 12 घंटे बाइक कंटिन्यू चलाई है, 10 घंटे तो नॉर्मल है, तो कुछ भी थकान नहीं होती और कॉन्फिडेंस जो आपको मिलता है ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पे वो गजब का है। पिकअप पंच सब कुछ बहुत बढ़िया है, एवरेज अच्छी है, तो जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13 लीटर की है, तो 13 लीटर में आपको 450 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, तो बहुत बढ़िया है ये 450 किलोमीटर की रेंज, तो एक कम बजट में ये बहुत बढ़िया बाइक है। मैं तो कहूँगा इंडिया का मतलब सबसे अच्छा बाइक है एक लो बजट में। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, तो दोस्तों अब मुंह धो के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, गर्मी भी थोड़ी कम हुई है। पी रहा हूँ मैं ट्रॉपिकाना का जूस पी रहा हूँ, मिक्स फ्रूट है, ये हमने कल लिया था आते हुए सरथल से, तो मेरे पास बच गया था तो मैं पी रहा हूँ जूस, थोड़ा एनर्जी मिल जाएगी और रेस्ट भी हो जाएगा बाइक को भी। ये होगी है बॉटल खाली, अब इसको मैं अपने टैंक बैग में डालता हूँ और चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं, बहुत गर्मी है। ज्वाला माता की कृपा से भाई हम लोग अपनी राइड सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं, तो ये ज्वाला जी पहुंच गए हम लोग, जय ज्वाला माता की। इस टाइम हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ज्वाला जी, यहाँ से ज्वाला जी से अब मेरी सिर्फ 1 घंटे की जर्नी रह गई है हमीरपुर की। ये देखिए हमीरपुर 40 किलोमीटर लिखा हुआ है, फाइनली फ्रेंड्स अब मैं हमीरपुर पहुँचने वाला हूँ, 5 किलोमीटर रह गया है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है इसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब खैर।